बिस्मिल रमान रहीम अलैक्म मैं सल्फी दाउद नवाज़ आई एम सर्विंग बाहुजन जक्रिय यूनिवर्सिटी मुल्तान एज़ अ विजिटिंग लैक्चर इन डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस आई एम टीचिंग द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी इन मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड सेमेस्टर इवनिंग प्रोग्राम होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे हमारा जो आज का लेक्चर है पब्लिक पॉलिसी का वो है मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी फार्मोलेशन ओके okay, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन के बारे में तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये होता है कि वाई पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेटेड कि पब्लिक पॉलिसी जो है क्यों फार्मूलेट की जाए जब हम कहते हैं ना कि पब्लिक पॉलिसी के फार्मूलेशन के मॉडल कौन कौन से हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होगा वो यही होगा कि पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन क्यों ज़रूरी है क्यों फार्मूलेट किया जाए तो उसका जो आंसर है वो बड़ा अथेंटिक है और वो यही है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन देखें आप जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं हमारी जब ऑर्गेना हमारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी गवर्नमेंट है या कोई भी प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं डिपार्टमेंट्स हैं बेटे जब वो कोई भी पॉलिसी बनाएंगे वो हमेशा उस पॉलिसी को बनाने के लिए उसके प्रॉब्लम को देखेंगे कि आया कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, है ऐसे कौन से इशूज़ हैं ऐसे कौन से एजेंडाज़ हैं ऐसे कौन से डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि हमारी आवाम या हमारे लोग फ़ेस कर रहे हैं और उनको उन प्रॉब्लम्स को ठीक है उन डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह से ख़त्म किया जा सके उसके लिए जो है एक पूरा जो है ओवरऑल एक प्लान सेट होता है ताकि हमारे जो लोग हैं उनकी बीइंग के लिए काम किया जा सके उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जा सके ठीक है फिर क्या होता है कि जब एक बार प्रॉब्लम पॉलिसी की जो प्रॉब्लम है जब वो आइडेंटिफाई हो जाती है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी आर इस्ट ठीक है तो फिर क्या होता है कि उस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को उस पॉलिसी के गोल्स को सेट कर दिया जाता है इस्टेब्लिश कर दिया जाता है और आम तौर पर जो है उनको एक्सप्रेस किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ एंड्स विच आर डिज़ायरेबल कि यानी कि उनको ये कह दिया जाता है कि ये हमारे गोल्स ऐसे गोल्स हैं जो कि हमें हर हालत पर एंड में अचीव करने हैं और ये हमारे लिए डिज़ायरेबल है हमने इनको हमें इनकी ज़रूरत है इन गोल्स को अचीव करने की ज़रूरत है ठीक है इसी तरह से जनरली हम पब्लिक पॉलिसी जो है हमारी वो किसको एम कर रही होती है एट रिड्यूजिंग प्रॉब्लम पब्लिक पॉलिसी का मकसद ही यही होता है कि जो भी पब्लिक के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं उसका मेन मकसद ही यही है कि रिड्यूस द प्रॉब्लम रिड्यूस द डिफ़िकल्टी रिड्यूस द इश्यूज विच आर फेसिंग बाय आवर पब्लिक ठीक है बाय फेसिंग बाय आवर पीपल और अब द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू बोथ दोज़ एडमिनिस्ट्रेटिंग द पॉलिसी एंड दोज़ अफेक्टेड बाय इट और एक बात यहाँ पे बड़ी क्लियर है आप लोग भी याद रखिएगा कि जो जो ऑब्जेक्टिव है जो गोल है पब्लिक के लिए जो पॉलिसी बना रहे हैं वो उस पॉलिसी का जो कि पब्लिक के लिए बनाई जा रही है जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है जो उसका गोल होता है बेटे वो जो है एक्सेप्ट हो एक्सेप्टेबल होना चाहिए किन के लिए जो कि पॉलिसी को बना रहे हैं एडमिनिस्ट्राइट कर रहे हैं एंड और उनके लिए जो उस पॉलिसी से अफेक्ट होंगे चाहे वो गुड इफ़ेक्ट हो या बैड इफेक्ट हो और अफेक्टेड कौन होते हैं पॉलिसी से आम आवाम जो है आम लोग जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं ठीक है बेटे बेटे हमारे पास इसमें सबसे पहला आ जाता है लीनियर मॉडल ऑफ द पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस ठीक है लीनियर मॉडल ऑफ द पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस जी लीनियर मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले प्रिडिक्शन की जा रही होती है प्रिस्क्रिप्शन की जा रही होती है या प्रिडिक्शन की जा रही होती है कि आपने कोई पॉलिसी बनानी है उसके बारे में प्रिडिक्शन करोगे डिस्क्रिप्शन करोगे ठीक है उसके बारे में एक चीज़ को समराइज़ करोगे कुछ उसके बारे में थिंकिंग करोगे ठीक है उसके बारे में आप देखोगे कि प्रिडिक्ट कर दोगे अच्छा तो ये ये चीज़ है यानी कि आप एक थिंकिंग लेवल के ज़रिए उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हो उस चीज़ के बारे में आप जो है चीज़ों को जज कर रहे हो जी जब आपने प्रिडिक्शन कर ली प्रिस्क्रिप्शन कर ली तो आपके पॉलिसी मेकर्स आ जाते हैं पॉलिसी मेकर्स कौन होते हैं जो हमारे पॉलिसीज बनाते हैं यहाँ पे दो तरह के पॉलिसी मेकर्स होते हैं कहाँ पे लीनियर मॉडल ऑफ द पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस में द फर्स्ट वन इज़ द सोसाइटियल सेंटर्ड फोर्सेस एंड सेकंड वन इज़ द स्टेट सेंटर्ड फोर्सेस। बेटे जो सोसाइटियल सेंटर्ड फोर्सेस हैं इट मीनस जो हमारे माशरे में जो हैं ऐसे फोर्सेस जो कि हमारे पब्लिक पॉलिसी में उस स्ट्रक्चर uh, में उसकी मेकिंग में हेल्प करते हैं उसमें सबसे पहले आती हैं क्लासेस बेटे यहाँ पे क्लासेस से मुराद वो क्लासेज हैं यानी कि जो अपर क्लासेज हैं हमारे इलाके के मोजीन हम कहते हैं ना कि ये बड़ा मोजिज़ बंदा है इससे बात की जाए हमारे इशूज़ को जो है ये जाके डिस्कस करें चेयरमैन से या एम पी ए से ताकि हमारे इशू सॉल्व हो सके या ऐसे कारोबारों कारोबारी हज़रा हमारे इलाके के जिनको बड़ी हम इज़्ज़त से देख रहे होते हैं या कोई डॉक्टर साहब होते हैं या कोई प्रोफेसर साहब होते हैं तो ये क्लासेस में आ जाएगा ठीक है इसी तरह से बेटे होता है इंटरेस्ट ग्रुप हर सोसाइटी में इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए अपने मकासद के लिए काम कर रहे होते हैं वो लोगों के मकासद के लिए काम कर रहे होते हैं ठीक है ना इसकी मैंने आपको क्लास में भी एग्ज़ाम्पल दी थी कि मुख्तलिफ किस्म के इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो थर्ड वन होता है वो होता है पार्टीज़ एंड वोटर्स पार्टीज़ कौन सी पार्टीज़ जैसे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं लाइक हमारी पी एम एल एन है ठीक है पी पी है पी टी आई है ठीक है ना जमात इस्लामी है तो ये हमारे पार्टीज़ हैं पोलिटिकल पार्टीज़ हैं तो ये उसके अलावा हमारे वोटर्स हो गए ठीक है यहाँ पर जो है ये सोसाइटी लेवल की बात स्टेट लेवल में क्या होता है या स्टेट सेंटर्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं टेक्नोरेट्स ठीक है ना ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे टेक्नोरेट्स हैं ठीक है हमारे जो स्टेट इंटरेस्ट के बारे में बात करने वाले लोग हैं तो वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं जी फेज़ टू में क्या होगा कि फेजिज ऑफ द पब्लिक प्रोसेस यहाँ पे फेजिज़ आ जाती हैं पॉलिसी प्रोसेस की ठीक है कि पॉलिसी प्रोसेस की कौन कौन सी फेसिस होती हैं जी सबसे पहले आपका इशू डिफाइन हुआ जब आपका इशू डिफाइन हो गया आपका जो इशू है आपने उसको देख लिया जज कर लिया कि मेरा इशू क्या है तब आप आ जाते हो ऑन एजेंडा ठीक है ऑन एजेंडा का आपका जो है आ, या नॉट ऑन एजेंडा आप यहाँ पे अब आप आपकी डिस्कशन शुरू होती है कि एजेंडा क्या है या नॉट ऑन एजेंडा क्या एजेंडा पे काम करना है या नहीं करना एजेंडा फेस आता है इसको एजेंडा फेस कहते हैं अब एजेंडा फेस में क्या है कि जो हमारा एजेंडा है जो हमारा जो हमने एजेंडा सेट किया है उस डिफिकल्टी को सॉल्व डिफिकल्टी uh, को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या है अब आप एजेंडा बेस के ऊपर अपनी पॉलिसी को जो है ना देख रहे होते हो ये नॉट ऑन एजेंडा भी हो सकता है कि आप उस एजेंडे को नहीं देख रहे होते उसको फोकस नहीं कर रहे होते ठीक है दूसरा फेस होता है डिसीजन फेस कि आपने फाइनल डिसीजन क्या लेना है अपनी पॉलिसी के लिए ठीक है तो डिसीजन फॉर रिफॉर्म डिसीजन फॉर रिफॉर्म कि कौन कौन सी ऐसे रिफ़ॉर्म्स हैं कौन कौन सी ऐसी असलाहत हैं जो कि अपनी पॉलिसी के लिए में ले के आऊँ ठीक है तो उसके लिए आप डिसीज़न मेकिंग कर रहे होते हैं और बाजों का क्या होता है कि डिसीजन अगेंस्ट रिफ़ॉर्म कि जो असलाहत जो आपने चूज़ करी होती हैं जो रिफ़ॉर्म्स आपने चूज़ करी होती हैं अपनी पॉलिसी के बेहतरी के लिए वेलफेयर के लिए लोगों की आप उसके कभी कभी अगेंस्ट डिसीजन भी ले रहे होते हो ठीक है तीसरा फेज़ जो है वह है इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ तो या तो आपकी वो कामयाब इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है पॉलिसी की या वो अनसक्सेसफुल यानी कि नाकाम इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है इसी तरह से बेटा कहते हैं जी एक्टर्स एंड देयर रोल्स कि पब्लिक पॉलिसी में ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जो कि अपना एक रोल अदा कर रहे होते हैं पब्लिक पब्लिक पॉलिसी की मेकिंग में ठीक है पब्लिक पॉलिसी की एवेलुएशन में पब्लिक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में क्लियर ऐसे एक्टर्स जो हैं हमारे पास सबसे पहले जो हैं टेक्नोरेट होते हैं टेक्नोरेट का क्या रोल होता है वो नॉलेज दे रहे होते हैं वो नॉलेज रख रहे होते हैं कि उनके पास नॉलेज होता है ठीक है उस पॉलिसी को बनाने में उस पॉलिसी के बारे में सेकंड कौन से होते हैं ब्यूरोक्रेट और उनका क्या रोल होता है वो इंस्टीट्यूशंस को रन कर रहे होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को रन कर रहे होते हैं जी थर्ड एक्टर्स हमारे पास आ गए इंटरेस्ट ग्रुप अब इंटरेस्ट ग्रुप का क्या रो, क्या रोल होता है कि वो अपने एरिया के वो अपने सोसाइटी के वो अपने कम्युनिटी के, के वो क्या होते हैं उस आ, वो उस ग्रुप के रिप्रज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनका रोल ये होता है कि वो रिप्रेजेंटेटर होते हैं ठीक है वो अपनी सोसाइटी के या ग्रुप के या कम्युनिटी के या किसी भी डिपार्टमेंट के वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ठीक है तो वो उनका रोल ये है कि वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं अपने इंटरेस्ट के जी द फोर्थ वन इज़ द पॉलिटिशंस पॉलिटिशनस का रोल क्या होता है बेटे कि उनके पास पावर होती है पॉलिसी मेकिंग की क्लियर इसी तरह से डोनर्स होते हैं डोनर्स का क्या, क्या रोल होता है कि वो उस पॉलिसी में इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं क्लियर जी पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस एंड फार्मोलेशन कि पब्लिक पॉलिसी का जो प्रोसेस है वो क्या है या उसकी फार्मोलेशन किस तरह से होगी हमारे पास जो है पॉलिसी की जो टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि फर्स्ट स्टेज आ जाता है फर्स्ट स्टेज में हम सबसे पहले क्या करते हैं प्रॉब्लम फॉर्मेशन करते हैं कि आया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है किस तरह की प्रॉब्लम है ठीक है हमारे क्या लोगों की बेसिक नीड्स क्या हैं डिप्रीविएशन क्या है सेटिसफेक्शन और डिसटिस्फ़ैक्शन का लेवल क्या है, है? आखिर हमारी आवाम चाहती क्या है ठीक है और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं कि टू सी द प्रॉब्लम कि उस प्रॉब्लम को देखो कि जो आपकी पब्लिक की प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करो सेकंड स्टेज आ जाती है पॉलिसी एजेंडा की स्टेज पॉलिसी एजेंडा की स्टेज में क्या होता है उसमें जो फॉर्मल इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें डेफिनेशन ये हो सकती है कि प्रॉब्लम्स अमंग मैनी डेट रिसीव द गवर्नमेंट सीरियस अटेंशन कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि गवर्नमेंट रिसीव कर रही है और उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपनी एक सीरियस अटेंशन दे उस प्रॉब्लम के लिए और उसमें कॉमन सेंस क्या आ जाती है to to कि गेटिंग द गवर्नमेंट टू बिगन टू एक्ट ऑन द प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी है कि वो क्या शुरू कर दे उस प्रॉब्लम पर उस के लिए क्या करें उसको एक्शन में ले कर आए इसी तरह से बेटे जो थर्ड स्टेज है वो है पॉलिसी अडॉप सॉरी पॉलिसी फार्मूलेशन कि पॉलिसी फार्मोलेशन क्या होगी ठीक है कि किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे हम अपने एक्सेप्टेबल और प्रपोज्ड कोर्सेज़ ऑफ एक्शंस के कि हमने कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ किए हैं ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन के जो हमारी पब्लिक के लिए हमारी पब्लिक के लिए वो जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं वो अच्छी एक पब्लिक पॉलिसी के लिए हमारे ऐसे कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन हैं जो कि पब्लिक प्रॉब्लम्स uh, के लिए डील किए जा सकते हैं क्लियर तो उसमें क्या होता है कि <coughs> गवर्नमेंट प्रपोज़ करती है सोलूशन टू द प्रॉब्लम कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है सोलूशन परफॉर्म कर जो है प्रपोज कर रही होती है फोर्थ जो स्टेज है वो है पॉलिसी अडोप्शन adopt, के डिवेलमेंट ऑफ स्पोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक प्रपोजल सच डेट द पॉलिसी लेजिटीमेट और एथोराइज और इसमें कॉमन सेंस क्या होगी गेटिंग द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट पार्टिकुलर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करो कि गवर्नमेंट देखे कि ऐसा कौन सा स्टेप सप्टेबल uh, जो है सल्यूशन हो सकता है हमारी प्रॉब्लम्स का फिफ्थ स्टेज जो है वो है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इट मीनस कि आपकी जो पॉलिसी है उसकी एप्लीकेशन की जाएगी बाय द गवर्नमेंट ब्यूरोट मशीनरी कि आपके जो गवर्नमेंट की जो ब्यूरोटिक मशीनरी है ठीक है ना लाइक like हमारे जो एग्जेक्टिव और जुडिशरी है वो क्या करेगी उस पॉलिसी की एप्लीकेशन कर देगी उसको इंप्लीमेंट कर देगी ताकि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और कॉमन सेंस क्या है कि अप्लाइंग द गवर्नमेंट पॉलिसी टू द प्रॉब्लम क्लियर इसी तरह से जो हमारी सिक्स स्टेज है वो है पॉलिसी एवेलुएशन की स्टेज पॉलिसी एवेलुएशन की स्टेज में क्या होता है कि बाय द गवर्नमेंट टू डिटरमाइन वेदर और वेदर और नॉट द हैज़ बिन इफेक्टिव क्लियर तो इसमें कॉमन सेंस क्या होगा कि डिड द पॉलिसी वर्क क्या हमारी पॉलिसी वर्क है और इसमें फॉर्मल डेफिनेशन में यही है कि डिटरमाइन कर रही होती है आपकी गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही होती है क्या हमारी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव है या नहीं है क्या हमारी पॉलिसी सक्सेसफुल है या नहीं है कामयाब है या नाकाम है पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन में हम लोग क्या कर, देख रहे होते हैं कि मोस्ट पॉलिसीज़ जो है वो सफ़र हो जाती हैं कुछ स्टेजेस पे और उसकी कुछ होती हैं वो रीज़न क्या हो सकती हैं कि अनसफिशेंट नंबर ऑफ़ वेल ट्रेनड पर्सनल आपके पास जो है वेल ट्रेंड ट्रेंड लोग बहुत कम थे या नाकाफ़ी थे या आपके पास रिसोसज़ नाकाफ़ी थे कि जिसकी वजह से आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या आपके रिसोस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो सके या आपकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सके ठीक है अच्छा मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी फार्मोलेसन एंड एवोल्यूशन मॉडल वही बात जो मैंने मैं अभी आपको बताई थी फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम परसीव की जाती है फिर उस प्रॉब्लम के लिए एक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को इस्टबलिश किया जा रहा होता है फिर अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ को देख रहे होते हो ठीक है ये क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ अल्टरनेटिव्स ये होते हैं कि आप अपनी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के लिए मुख्तफ़ किस्म के जो है ना ऑप्शंस uh, को देख रहे होते हैं आया कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है ताकि हम अपने जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें इसी तरह से अल्टरनेटिव इस्टेबलिश को अल्टरनेटिव uh, स्ट्रेटजीज जो आपने या अल्टरनेटिव ऑप्शन जो आपने देखे थे आप उसको एस्टिमेट करते हो कि एस्टिमेशन लगाते हो कि इसमें हमें कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा या इसका कितना खर्चा आएगा या कितना उसमें हमें जो है डेवलपमेंट uh, हो सकती है इसी तरह से फिर आपकी जो प्रेफर्ड स्ट्रेटजी होती है या प्रेफर्ड ऑप्शन होता है या प्रेफर्ड जो आपने चूज़ किया हुआ एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है आप उसको प्लान में इम्प्लीमेंट कर देते हो ठीक है ना इसी तरह से जो है ये हमारा सारे का सारा प्रोसेस होता है ठीक है स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात हो कि जजाकल्ला